हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठ गया। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। पाकिस्तान में बहुत वर्ष पहले जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो, और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब जाके कुछ साल पहले, अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में कि ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कुछ कोई विरोध नहीं है हमारा, इससे हम तो स्वयं चाहते हैं, लेकिन हमने एक बात कही कि अभी तक आप इसको ठुकराते रहे, अब आप उठा रहे हैं इसको, तो क्या इसके लिए एक वातावरण नहीं अच्छा नहीं बनाना चाहिए, और उसके लिए क्या हम एक समझौता नहीं कर सकते हैं दोस्ती का, सहयोग का और शांति का। अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि लड़ाई होएगी नहीं। वैसे तो ये सब बातें शिमला समझौते में आ गई थी, लिखित हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते उस समझौते को, तो एक इस प्रकार का नया समझौता हो सकता। लेकिन कहना कि हम दोस्ती, सहयोग और शांति का समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझौता करेंगे कि लड़ाई ना हो, तो मैं आपसे पूछती हूँ मेरे भाइयों और बहनों, कि ये चीज़ में कैसे चल सकती है, इसको गहराई से कैसे ले सकती है।